तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी द वन मिनट मैनेजर, जिसे लिखा है कैनेड बेंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन ने। क्या आप जानना चाहोगे कि लोगों को कैसे इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाए? क्या आपको भी एक इफेक्टिव मैनेजर बनना है? क्या आप ऐसे तरीके के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपने ग्रुप में प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस ला सके? आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आप एक मिनट में ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गोल सेट करने के लिए एक मिनट चाहिए। सेकेंडली, आपको लोगों की तारीफ करने के लिए भी एक ही मिनट लगेगा। थर्ड बात ये कि आपको लोगों की कमियां बताने में भी एक मिनट लगेगा। और अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो यकीन मानो, ना सिर्फ आपका ग्रुप खुश रहेगा बल्कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी देगा। अगर आप एक मैनेजर हैं या बनना चाहते हैं तो यही टाइम है अपने फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने का। इस बुक से जो कुछ आप सीखेंगे उस पर गौर करें और फिर अप्लाई करें। कोई भी इस वन मिनट बुक से सीख सकता है, फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो, पेरेंट्स हो, या टीचर या लवर्स हो। द सर्च, इस बुक की स्टार्टिंग होती है एक यंग मैन के साथ जो ये जानना चाहता था कि एक इफेक्टिव मैनेजर कैसे बना जाए। और ये जानने के लिए वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में गया, जैसे कि बैंक, रेस्टोरेंट, होटल, स्टोर्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट ऑफिस। उसे कई मैनेजर्स मिले जो खुद को ऑटोक्रेटिक, रियलिस्टिक और प्रॉफिट ओरिएंटेड बोलते थे, क्योंकि ये लोग काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड थे और इसलिए इनकी इमेज एक टफ मैनेजर की थी। हालांकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करते थे वो हमेशा प्रॉफिट में रहती थी, लेकिन इस चक्कर में इन मैनेजर्स के अंदर काम करने वाले कभी खुश नहीं रह पाते। और कुछ ऐसे भी मैनेजर्स थे जिनकी इमेज पार्टिसिपेटिव, दूसरे लोगों के इमोशन को समझने वाले और ह्यूमनिस्टिक नेचर वाले मैनेजर्स की थी। उन्हें लोग पसंद करते, ये लोग ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड होते, लेकिन इनके साथ उल्टा है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन उतने प्रॉफिट में नहीं रहती, लेकिन स्टाफ के लोग खुश रहते हैं। अब ये यंग मैन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसे लग रहा था कि जिन मैनेजर्स से वो अब तक मिला है वे लोग बस आधा काम ही कर रहे हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने गिव अप कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसके पास के एक टाउन में रहने वाले एक स्पेशल मैनेजर के बारे में सुना। लोग इस मैनेजर को बड़ा लाइक करते थे और खुशी खुशी उसके लिए काम करने को तैयार रहते। उसके अंदर काम करने वाली टीम का रिजल्ट हमेशा बेस्ट रहता। ये सब सुनकर यंग मैन थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में कॉल करके मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा। द वन मिनट मैनेजर। जब उस यंग मैन ने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में एंट्री की, उसने स्पेशल मैनेजर को विंडो के पास खड़ा देखा। वो उसकी तरफ घूमा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं सीखना चाहता हूँ कि हम लोगों को मैनेज कैसे करते हैं। यंग मैन ने जवाब दिया। वो स्पेशल मैनेजर खुद को पार्टिसिपेटिव नहीं मानता था। इनफैक्ट वो किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता था जो उसके सब ऑर्डिनेट बताते थे। और वो खुद को रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं मानता, बल्कि वो रिजल्ट के साथ साथ लोगों की भी केयर करता था। उसके लिए दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट थे। उसकी डेस्क में एक नोट लिखा था, पीपल हु फील गुड अबाउट देम सेल्फ प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, यानी जो लोग खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं वही बेस्ट रिजल्ट देते हैं। यंग मैन को रियलाइज हुआ कि ये बात 100% सही है। स्पेशल मैनेजर अपने ग्रुप को हमेशा गुड फील कराता था। इससे होता ये था कि उन लोगों में ज़्यादा काम करने की फीलिंग आती, लेकिन वे लोग क्वालिटी वर्क भी करते थे। वो मैनेजर उस यंग मैन को विंडो के पास लेकर गया। उन्होंने विंडो से देखा कि बहुत से अमेरिकन फॉरेन गाड़ियां ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोकल मेक गाड़ियों की सप्लाई कम हो रही थी, लेकिन लोग फॉरेन गाड़ियां इसलिए चूज कर रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल और एफिशिएंट थी। इसलिए प्रोडक्टिविटी में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। मैनेजर ने बताया कि अगर दोनों अचीव करना हो तो लोगों में इन्वेस्ट करो। यंग मैन ने पूछा, अगर आप ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही आप प्रोटीट माइंडेड हो, तो आप अपने को किस तरीके का मैनेजर मानते हो? ये बहुत आसान सवाल है, मैं वन मिनट मैनेजर हूँ, मैनेजर ने जवाब दिया। और उसका कहना सही था, क्योंकि वन मिनट मैनेजर कम टाइम में भी लोगों से बिग रिजल्ट ले सकता है। यंग मैन ने आज तक उस स्पेशल मैनेजर जैसा कोई नहीं देखा था। उसे यकीन नहीं हुआ। सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे लोगों से पूछ सकते हो कि मैं कैसा मैनेजर हूँ, मैनेजर ने कहा।
उसने यंग मैन को एक पेपर दिया। इसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो उसे डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। किससे स्टार्ट करूं, यंग मैन ने पूछा। इस पर मैनेजर ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं दूसरों के लिए डिसीजन नहीं लेता। उनके बीच कुछ देर खामोशी बनी रही। यंग मैन बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा, तो मैनेजर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम लोगों को मैनेज करना सीखना चाहते हो और ये मुझे अच्छा लगा। मेरे लोगों से मिलने के बाद अगर तुम्हारे माइंड में कोई सवाल हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें 1 मिनट मैनेजर कॉन्सेप्ट गिफ्ट करना चाहूँगा, जो कभी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगर तुम्हें ये पसंद आए तो शायद तुम भी किसी दिन 1 मिनट मैनेजर बनना चाहो। अब आगे जानते हैं द फर्स्ट सीक्रेट, यानी कि 1 मिनट गोल के बारे में। यंग मैन ने लिस्ट में से 3 नेम चूज किए। वो सबसे पहले जाकर मिस्टर ट्रेनेल से उनके ऑफिस में मिला। मिस्टर ट्रेनेल मिडल एज इंसान थे। वो उसे देखकर मुस्कुराए। वेल, तो तुम ओल्ड मैन से मिल के आए हो, कमाल के इंसान है वो, है ना? उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में बताया क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब सच नहीं है, है ना? यंग मैन ने पूछा। एकदम सच है, और तुम्हें भी इस बात पे बिलीव करना चाहिए, हालांकि मैं उनसे खुद ही बहुत कम मिल पाता हूँ, मिस्टर ट्रेनेल बोले। अब यंग मैन और पजल्ड हो गया। उसे पता लगा कि 1 मिनट मैनेजर मिस्टर ट्रेनेल से तभी मिलते थे जब उन्हें कोई नया टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती थी। 1 मिनट मैनेजर मिस्टर ट्रेनेल को 1 मिनट गोल सेटिंग देते थे। बहुत सी कंपनीज में सब ऑर्डिनेट्स अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, लेकिन 1 मिनट मैनेजर अपने स्टाफ को क्लियर कर देते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या क्या होगी, उनसे कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है। वो अपने स्टाफ को 1 मिनट गोल सेटिंग में भी असिस्ट करते हैं। सब ऑर्डिनेट्स अपने गोल्स पर पेपर शीट में लिख लेते हैं। हर एक गोल को लिखने में 250 से ज़्यादा वर्ड्स यूज नहीं होते होने चाहिए। सब ऑर्डिनेट्स और 1 मिनट मैनेजर दोनों इस गोल की कॉपीज अपने पास रखते हैं। फिर टाइम टू टाइम इस पेपर को चेक किया जाता है कि इतनी कितनी प्रोग्रेस हुई। 1 मिनट गोल सेटिंग की वजह से टीम का हर मेंबर जानता है कि उसे क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ट्रेनेल का एक गोल है, प्रॉब्लम्स का पता लगाओ और फिर वो सॉल्यूशन ढूंढो जिससे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जब मिस्टर ट्रेनेल इस कंपनी में नए नए आए थे तो एक बार वो अपने 1 मिनट मैनेजर के पास एक प्रॉब्लम कंसल्ट करने आए थे। इस पर मैनेजर ने बोला, मुझे बस ये बताओ कि क्या ऑब्जर्व किया और क्या तुम गलती को मैनेज कर सकोगे। फीलिंग्स और इमोशन के बारे में मुझे नहीं सुनना। ये सुनकर मिस्टर ट्रेनेल कन्फ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मैनेजर ने मिस्टर ट्रेनेल को बोला, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम बस कंप्लेन कर रहे हो। तो इस तरह मैनेजर ने मिस्टर ट्रेनेल को तब तक गाइड किया जब तक कि वो एक बेस्ट सॉल्यूशन लेकर उनके पास नहीं आ गए। अब तुम सही हो ट्रेनेल, मैनेजर बोले। याद रखना, नेक्स्ट टाइम तुम कोई रियल प्रॉब्लम के साथ ही आओ, यानी 1 मिनट गोल इस तरीके से सेट करें। पहला, मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों गोल्स पर एग्री होने चाहिए। दूसरा, गुड बिहेवियर का ख्याल रखें। तीसरा, हर एक गोल को पेपर पे लिख लें लेकिन 250 से कम वर्ड्स में। चौथा, बीच बीच में 1 मिनट रुक कर अपने परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस चेक करें। छठा, अपना बिहेवियर आपके गोल से मैच करता है या नहीं ये चेक करें। अब आगे बात करते हैं द सेकेंड रूल, 1 मिनट क्लोजिंग। मिस्टर ट्रेनेल से मिलने के बाद यंग मैन अब मिस्टर लेवी के ऑफिस में गया। मिस्टर लेवी उससे स्लाइटली ओल्डर लग रहे थे। उन्होंने बड़ी खुशी से यंग मैन का वेलकम किया और बोले, वेल, मुझे लगता है कि तुम ओल्ड मैन से मिल चुके हो, कमाल के इंसान है ना? क्या उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में कुछ बताया? हाँ बिल्कुल बताया, लेकिन ये सब सच नहीं है ना? उसे लगा कि मिस्टर लेवी अलग जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने वही कहा जो मिस्टर ट्रेनेल ने बोला था। तुम्हें एक्चुअल में इस बात पर बिलीव कर लेना चाहिए कि मैं अपने मैनेजर से बहुत कम मिलता हूँ। यंग मैन को पता चला कि मिस्टर लेवी भी 1 मिनट मैनेजर से ज्यादा नहीं मिल पाते। वो तभी मिलते हैं जब उन्हें 1 मिनट प्रोजेक्ट देनी होती है। मिस्टर लेवी जब ऑफिस में नए थे तो 1 मिनट मैनेजर ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के ऊपर क्लियर
फीडबैक मिलती रहे तो तुम्हारे लिए इम्प्रूव करना ज़्यादा इजी रहेगा। मैनेजर मिस्टर लेवी को कंपनी में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट पोजीशन पर देखना चाहते थे, जो कंपनी के लिए एक एसेट की तरह हो और अपनी जॉब एंजॉय कर सके। इसलिए मैनेजर क्लियरली बता देते थे कि मिस्टर लेवी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। हालांकि शुरू शुरू में ये सब बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि ज़्यादातर मैनेजर नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन वन मिनट मैनेजर का मानना था कि क्लियर फीडबैक मिस्टर लेवी के लिए बहुत ज़रूरी है। मिस्टर लेवी को वन मिनट बोल देने के बारे में मैनेजर उनसे टच में रहते थे उसी बहाने, ताकि वो उनसे हर एक्शन को क्लोजली देख सके। शुरू शुरू में मिस्टर लेवी को लगा कि शायद मैनेजर उन पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन फिर मिस्टर लेवी को रियलाइज हुआ कि मैनेजर उन्हें कुछ राइट डिसीजन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। ये एकदम उल्टा था, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट्स को कुछ गलत करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते हैं, लेकिन वन मिनट मैनेजर तो सबसे डिफरेंट थे। उन्होंने मिस्टर लेवी के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता जब वो तुम्हें टच करते हैं, यंग मैन ने पूछा। मिस्टर लेवी ने कहा, नहीं, ये उनका एक सिंपल गेस्चर है तारीफ करने का। वन मिनट मैनेजर रियली चाहते थे कि मिस्टर लेवी आगे बढ़े और सक्सेस हासिल करे। वन मिनट मैनेजर मिस्टर लेवी की आंखों में देखकर बोले, जो तुमने किया एकदम राइट डिसीजन था। मैनेजर की वन मिनट प्रेजिंग इस बात का प्रूफ थी कि मैनेजर मिस्टर लेवी की प्रोग्रेस से अवेयर थे। इसके अलावा वन मिनट मैनेजर का लॉजिक एकदम राइट था। अगर कोई रिजर्व करता है तो इसे प्रेजिंग जरूर मिलेगी। हो सकता है कि मैनेजर को भी कोई बात राइट ना लगे या कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो आपको ही आके बताएंगे। तुम्हें नहीं लगता कि हर एक को प्रेस करने में मैनेजर का टाइम वेस्ट होता है, यंग मैन का सवाल था। मिस्टर लेवी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखो कि किसी के काम को नोटिस करने और उसकी तारीफ करने के लिए कोई लंबा टाइम नहीं लगता। इसके लिए तो बस एक मिनट ही काफी है, यानी वन मिनट प्रेजिंग हमें इस तरीके से करनी है। पहला, लोगों को डायरेक्ट बोलो कि आप उन्हें फीडबैक दोगे। दूसरा, जो डिजर्व करता है उसकी तारीफ करने में देर मत करो। तीसरा, लोगों को बताओ कि वो क्या राइट कर रहे हैं। चौथा, लोगों को बताओ कि उन्हें राइट डिसीजन से आपको कितनी खुशी हो रही है और बाकी एम्प्लॉयज पर भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पांचवा, कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाओ ताकि उन्हें पता चल सके कि आप कितने खुश हो। छठा, इस इंसान को एनकरेज करें अच्छा काम करते रहने के लिए। सातवा, हाथ मिलाओ या उन्हें ऐसे टच करो जिससे उन्हें लगे कि आप रियली में उन्हें सक्सेसफुल देखना चाहते हो। द प्रिजल यंग मैन अब तक सीखी हुई बातों से बड़ा फैसिनेट हुआ। वो एक छोटी डायरी में सब कुछ नोट करता जा रहा था। फिर वो ये सोच कर हैरान हुआ कि क्या वन मिनट मैनेजर को बॉटम लाइन रिजल्ट मिलता होगा। तो ये जानने के लिए वो डाउट टाउन में ऑपरेशन साइट पर गया। वहाँ वो ऑपरेशन मैनेजर से मिला, जिनका नाम था मिस्टर गोमेज। उसने पूछा, मिस्टर गोमेज, क्या आप बता सकते हैं कंट्री में आपका कौन सा ऑपरेशन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है। इस पर यंग मैन को पता चला कि कंपनी का बेस्ट ऑपरेशन वही है जो वन मिनट मैनेजर हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अभी भी सबसे ओल्ड मेथड यूज़ करते हैं। वेल, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यंग मैन ने हैरानी से कहा। अच्छा, ये बताओ कि क्या यहाँ बहुत से लोग काम छोड़कर जाते हैं, क्या मैनेजर टर्नओवर देता है। इस पर मिस्टर गोमेज का जवाब था, एक्चुअल बात तो ये है कि मैनेजर का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर काम करने वाले लोग ऑलरेडी इतने ट्रेंड होते हैं कि उनके बताने से पहले ही न्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वन मिनट मैनेजर के अंडर में 2 साल काम करने के बाद वो मैनेजर का ऑपरेशन छोड़कर खुद ही ऑपरेशन करने लग जाते हैं। अब आगे बात करते हैं द थर्ड सीक्रेट, वन मिनट रेप्रीमाइंड। अब जबकि यंग मैन काफ़ी कुछ सीख चुका था, उसे बस थर्ड और फाइनल सीक्रेट जानने की क्यूरियोसिटी उठी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो मिस ब्राउन के ऑफिस पहुंच गया। मिस ब्राउन करीब 50 ईयर्स की एक स्मार्ट लेडी थी। उसने भी यंग मैन से वही बात बोला, वेल, तो तुम ओल्ड मैन से मिले, कमाल के इंसान है ना, क्या उन्होंने तुमसे वन मिनट मैनेजर के बारे में बताया। बेशक उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा सच में
नहीं होता है ना, यंग ने वही बात रिपीट की। शायद मिस ब्राउस से कोई डिफरेंट आंसर मिल जाए, लेकिन मिस ब्राउस ने भी सेम चीज बोली, बेटर होगा कि तुम बिलीव करो, हालांकि मैं खुद उनसे बहुत कम मिल पाती हूँ। मिस ब्राउन मैनेजर से तभी मिलती थी जब कोई रॉन्ग डिसीजन लेती थी, लेकिन यहाँ तो शायद लोगों को सही काम करते हुए पकड़ा जाता है ना, यंग मैन ने कहा। मिस ब्राउस ने बताया कि वो इस कंपनी में कई सालों से काम कर रही है, अपने लिए गोल वो खुद सेट करती है, वो अपने गोल एक सीट पर लिखने के बाद एक कॉपी मैनेजर को सेंड कर देती थी। मिस ब्राउन जब भी कुछ राइट करती थी तो खुद की तरफ करना जानती थी, लेकिन उसने अगर कोई मिस्टेक होती थी तो मैनेजर तुरंत उनसे मिलने पहुंच जाते और फिर वो उस मिस ब्राउस को एक्सप्लेन करते कि मिस्टेक कहाँ हुई है। वो डायरेक्ट उनकी आंखों में देखकर बता देते थे कि उन्हें गुस्सा आ रहा है या वो फ्रस्ट्रेटेड है। दोनों कुछ देर खामोश रहते, फिर मैनेजर बोलते, मुझे पता है मिस ब्राउन तुम कितनी कॉम्पिटेंट हो और तुम ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकती हो, और इस तरह मिस ब्राउन को उनकी मिस्टेक के लिए वार्न करने में उन्हें बस 30 सेकेंड लगते और फिर मिस ब्राउन वो मिस्टेक कभी रिपीट नहीं करती। अब क्योंकि किसी को तुरंत उसकी गलती के बारे में बताए जाने से तो रोग रॉन्ग बिहेवियर का चांस ही नहीं है, क्योंकि अब आप किसी की मिस्टेक पर अटैक कर रहे हैं ना कि उस इंसान पर, और इस तरह वो इंसान दोबारा कभी भी वो मिस्टेक रिपीट नहीं करता, बल्कि बाद में तो उसे अपनी गलती पर खुद ही हंसी आती है। अब आगे बात करते हैं हाउ टू गिव वन मिनट रिप्रीमाइंड। पहला, लोगों को पहले ही बता दे कि आप उन्हें क्लियर फीडबैक देंगे। दूसरा, तुरंत रिप्रीमेंड करें कि यानी लोगों को उनकी मिस्टेक पर तुरंत टोक दे। तीसरा, लोगों को क्लियरली मेंशन करें कि उनसे कहां मिस्टेक हुई। चौथा, लोगों को ये जरूर बोले कि उनकी मिस्टेक से आप क्या फील करते हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री या डिसअपॉइंटमेंट। पांचवा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ सेकंड रुके। छठा, हैंडशेक करें या उनके पीठ थपथपाए। सातवा, लोगों को फील कराए कि आप उन्हें कितनी वैल्यू देते हैं। आठवा, लोगों की मिस्टेक पर अटैक करें ना कि उन पर। नौवा, किसी को रिप्रीमेंड करने के बाद उस बात को वहीं ख़त्म कर दे, अपने रिलेशन में बिटरनेस ना आने दे। अब आगे बात करते हैं वन मिनट मैनेजर एक्सप्लेन्स। यंग मैन अब वन मिनट मैनेजर के सारे सीक्रेट जान चुका था, बस अब उसे ये पता करना था कि ये फॉर्मूले काम क्यों करते हैं, क्यों वन मिनट मैनेजर कंपनी के मोस्ट प्रॉफिट प्रोडक्टिव पर्सन है। इन्हीं सवाल का जवाब जानने के लिए वो फिर से वन मिनट मैनेजर के पास पहुंचा। क्या आप रियली में सोचते हैं कि एक मैनेजर को अपने सारे जरूरी काम करने के लिए सिर्फ एक मिनट लगता है, यंग मैन ने उनसे पूछा। कभी कभी ज़्यादा भी लगता है, लेकिन एक इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए ये इतना भी अप्लाई ना किया जा सके, मैनेजर ने जवाब दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट इतना भी अप्लाई ना किया जा सके। उनकी डेस्क में एक नोट लिखा रहता था, मेरा बेस्ट मिनट वही होता है जो मैं अपने लोगों में इन्वेस्ट करता हूँ। वैसे हर कंपनी ज़्यादा फैसिलिटी और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब आप लोगों में इन्वेस्ट करो। फिर मैनेजर ने वन बाय वन एक्सप्लेन किया कि वन मिनट सीक्रेट क्यों इफेक्टिव है। वाई वन मिनट गोल्स वर्क, यानी एक मिनट में आप जो गोल सेट करते हैं वो काम क्यों करते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिन्हें अपने वर्क प्लेस में मोटिवेशन की कमी फील होती है, और वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर मैनेजर लोगों को बताते नहीं हैं कि असल में उन्हें करना क्या है, उनसे किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन की जाती है। ये बात एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होती। मैनेजर पहले से ही सोच के बैठे होते हैं कि एम्प्लॉयज़ को अपना काम पता है, लेकिन ये तरीका गलत है। मैनेजर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को एक गोल दे और फीडबैक प्रोवाइड करे। बिना गोल के काम करना ऐसा है जैसे रात के टाइम गोल्फ खेलना या बिना रिंग के बास्केटबॉल खेलना। एक दिन वन मिनट मैनेजर ने अपने एक एम्प्लॉय को बॉलिंग करते हुए देखा। ये वो एम्प्लॉय था जिसकी अपनी पुरानी जॉब में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रही थी, इसलिए मैनेजर उसे प्रॉब्लम एम्प्लॉयज बोलता था। उसने देखा कि प्रॉब्लम एम्प्लॉय बॉलिंग करते हुए काफ़ी खुश और एनर्जेटिक नज़र आ रहा था, लेकिन काम के वक्त वो बिल्कुल डिप्रेस्ड बिहेव कर रहा था। जब उसने पिंस को हिट किया तो वो खुशी से उछल रहा था, लेकिन यही एम्प्लॉय काम के टाइम जरा भी खुश नहीं रहता, बल्कि उसे तो
पता ही नहीं होता था कि उसे करना क्या है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर टीम में कुछ विनर्स और कुछ लूजर्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स मिडिल में होते हैं। लेकिन वन मिनट मैनेजर का मानना था कि हर कोई एक पोटेंशियल विनर होता है। अगर आप लोगों को राइट वे में ट्रेन करेंगे तो टीम का हर एक मेंबर अपना बेस्ट दे सकता है, इसलिए हर टीम विनर टीम बन सकता है, हर टीम मेंबर विनर बन सकता है। वन मिनट गोल सेटिंग को ऐसे समझाइए, ऐसे समराइज किया जा सकता है, टेक अ मिनट, लुक एट योर गोल, लुक एट योर परफॉर्मेंस, सी इफ योर बिहेवियर मैसेज योर गोल्स। यानी एक मिनट निकालो, अपने गोल्स को देखो, अपनी परफॉर्मेंस को देखो और फाइनली ये देखो कि क्या जो अभी हम कर रहे हैं उससे हमें अपने गोल मिलेंगे या नहीं। अब आगे बात करते हैं व्हाई वन मिनट प्रेसिंग वर्क। तो आप लोगों को विनर बनाने के लिए कैसे ट्रेन करेंगे? आप उन्हें कुछ राइट करते हुए कैच करेंगे। अगर आपने कुछ नए लोग रखे हैं या टीम को कोई नया प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं तो लोगों को ऑब्जर्व करें, उन्हें कुछ राइट करते हुए देखने का मतलब है कि आप उन्हें एक डिजायर बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं। ज़्यादातर मैनेजर तब तक प्रेज नहीं करते जब तक कि उनके एम्प्लॉयज वाकई में हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन एक सच ये भी है कि बहुत कम लोग हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि मैनेजर हमेशा उन्हें कुछ रॉन्ग करते हुए पकड़ने की फराक में रहते हैं। जब कोई टीम नए लोगों को हायर करती है तो बाकी टीम मेंबर उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें ऑफिस में सबसे मिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें अकेले अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही बहुत कॉमन लीडरशिप स्टाइल है जिसे लीव अलोन एंड जैप स्टाइल बोलते हैं, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉय को अकेले ही हर टास्क करने के लिए छोड़ दो और ऊपर से एक्सपेक्ट करो कि वो बेस्ट रिजल्ट देगा, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो लीडर उस पर चिल्लाएगा और उसे पनिश करेगा। इस टाइप की लीडरशिप का इफेक्ट ये होता है कि एम्प्लॉयज उम्मीद से बहुत कम रिजल्ट देते हैं, वो क्वांटिटी या क्वालिटी रिजल्ट नहीं देता। अगर उन्हें हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन ना किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी। लीव अलोन एंड जेप स्टाइल ठीक ऐसा है जैसे आप किसी डॉग को सिखाते हैं कि उसे टॉयलेट कहां पर करना है, लेकिन गलती से अगर डॉग कारपेट गंदा कर दे तो ऑनर उसे कॉलर से खींचते हुए बैकयार्ड में ले जाकर पनिश करता है। अब ऑनर की गलती ये है कि उसने डॉग को कभी भी बैकयार्ड में टॉयलेट करने के लिए ट्रेन नहीं किया, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है, और जब डॉग घर में टॉयलेट कर देता है तो फिर ऑनर उसे पनिश करता है। अब इसमें गलती किसकी है, डॉग की या ऑनर की? कुछ दिन बाद डॉग फिर से कारपेट गंदा कर देगा और फिर बैकयार्ड की तरफ भागेगा, क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला है। अगर आपकी टीम में भी पुअर परफॉर्मेंस है तो ये पॉसिबल है कि उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें इनसिक्योरिटी हो, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो उन्हें पनिश मत करो। इस सिचुएशन में बेटर होगा कि वन मिनट गोल सेटिंग वाले फर्स्ट स्टेप पे जाओ, टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन करो कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक गुड परफॉर्मेंस कैसे होती है ये उन्हें दिखाओ, और फिर उन्हें ऑब्जर्व करो और कुछ राइट करते हुए पकड़ो। जब भी चांस मिले उन्हें वन मिनट प्रेजिंग दो, धीरे धीरे पुअर परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और ये गुड परफॉर्मेंस बन जाएगी। वाई वन मिनट रिप्रीमाइंड वर्क। वन मिनट रिप्रीमाइंड तब काम करता है जब तुरंत फीडबैक दिया जाए। जब भी कोई रॉन्ग डिसीजन ले उसे रिप्रीमेंड किया जाना चाहिए। मोस्ट मैनेजर डिसिप्लिन करते टाइम गनी सैक बिहेवियर करते हैं, यानी वो तभी रिएक्ट करते हैं जब पानी सिर के ऊपर चला जाए। किसी एम्प्लॉय को कोई मिस्टेक होने पर मैनेजर उस बात को उस टाइम इग्नोर कर देता है, फिर यही मिस्टेक एक नई बड़ी मिस्टेक बन जाती है, तो मैनेजर का गुस्सा फूट पड़ता है और उस एम्प्लॉय को वो पनिश करता है। और अक्सर ये चीज़ परफॉर्मेंस रिव्यू वाले दिन मैनेजर को याद आती है कि उस एम्प्लॉय के हफ्तों या महीनों पहले जो गलती की थी, फिर एम्प्लॉय भी डिफेंसिव मोड में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है अगर मैनेजर मिस्टेक के बारे में तुरंत बात कर ले, ताकि
फ्यूचर में मिस्टेक रिपीट ना हो और इससे एम्प्लॉय को भी बुरा नहीं लगेगा। वन मिनट रेप्रीमेंड के इफेक्टिव होने का सेकेंड रीजन ये है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि पर्सनली उसे नहीं बल्कि उसकी गलती को अटैक किया जा रहा है। नॉर्मली होता यह है कि मैनेजर्स किसी एम्प्लॉय की मिस्टेक के लिए उन्हें ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वन मिनट रेप्रीमेंड में ये बात क्लियर हो जाती है कि उस एम्प्लॉय को नहीं बल्कि उसके रॉन्ग बिहेवियर को एलिमिनेट करने की कोशिश हो रही है। और इसलिए रेप्रीमेंड के बाद वन मिनट मैनेजर प्रेजिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि वो पर्सन ओके है लेकिन उसका बिहेवियर नहीं। इफेक्टिव मैनेजर बिहेवियर को लेकर काफ़ी टफ हो सकते हैं लेकिन उस एम्प्लॉय के लिए काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। ये चीज़ बच्चों को डिसिप्लिन करने के काम भी आती है। बच्चा अगर कुछ गलत करे तो पेरेंट्स उसे सॉफ्टली टच करे और बताए कि उसने क्या मिस्टेक की है। कुछ मिनट साइलेंट रहे ताकि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो। फाइनली उसे बताए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और उससे क्या उम्मीद करते हैं। वन मिनट मैनेजर की डेस्क पे लगा हुआ नोट कहता है, गोल्स बींग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस मेंटेन बिहेवियर्स, यानी गोल्स सेट करने से हमारा बिहेवियर शुरू होता है लेकिन आने वाले नतीजों से हमारा व्यवहार मेंटेन रहता है। अब तक यंग मैन ये सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था और अपनी डायरी में लिखता जा रहा था। मैनेजर को उसमें एक पोटेंशियल नज़र आया और उसने कहा, यंग मैंने तुम्हें मुझे पसंद आए, क्या तुम यहाँ पर काम करना चाहोगे? आपका मतलब है कि क्या आपके लिए मैं काम करना चाहूँ? यंग मैन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि क्या तुम खुद के लिए काम करना चाहोगे? मैं बस लोगों को बेटर वर्क करने में हेल्प करता हूँ और इस प्रोसेस में मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है। यंग मैन अब जान चुका था कि उसे क्या चाहिए। यस ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क हियर, उसने कहा और फिर उसने वहाँ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। ही बिकेम अ वन मिनट मैनेजर। वो यंग मैन भी अब वन मिनट मैनेजर की बातें करने लगा था और उसका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए वो खुद अब वन मिनट मैनेजर बन गया क्योंकि उसने ये सीक्रेट अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर लिया था। अपनी टीम के लिए उसने वन मिनट गोल सेट किया, उन्हें वन मिनट प्रेजिंग दी और वन मिनट रेप्रीमेंड भी। इतने कम टाइम में ही उसने लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी कि वो अपने बारे में गुड फील कर सके और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। इस न्यू वन मिनट मैनेजर ने खुद पर भी ध्यान देना शुरू दिया। वो बाकी मैनेजर्स की तरह जल्दी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेता। न्यू वन मिनट मैनेजर ने ये सीक्रेट अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया। सब एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप एंजॉय करने लगे। साथ मिलकर ये लोग बेस्ट रिजल्ट दे रहे थे जिसकी वजह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव होने लगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। आपने इस बुक समरी से सीखा कि कैसे वन मिनट मैनेजर बन सकते हैं, कैसे वन मिनट गोल सेट कर सकते हैं और कैसे वन मिनट प्रेजिंग और वन मिनट रेप्रीमेंड दे सकते हैं। इफेक्टिव मैनेजर बहुत शॉर्ट टाइम के में भी किया जा सकता है अगर आप वाकई में अपने सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स या अपने फ्रेंड्स की केयर करते हो, तो आप भी वन मिनट मैनेजर बन सकते हो।